नमस्कार एम स्टार विशेष एम स्टार सवाल में अपने सबके स्वागत है। हम बीटू सिंह और अपने सबके आजुक कल्याणपुर नगर पालिका के अभी चुनावी दौरान में जे साझा पार्टी से उम्मीदवार फिर खास कर मेयर पद पर हुनका सबसे हम बातचीत आज करब। वास्तव में चुनावी के तालमेल के बाद चुनावी केना के प्रतिस्पर्धा कैल जाए, चुनावी के हिंका सबके केहन भूमिका सब रहत, ते सब के बारे में चर्चा खास कर अपने सबके समक्ष हम राख जा रहल छी। नजरे आलम जी अपने के एम स्टार बहस में अपने के स्वागत है। धन्यवाद। खास कर जे अखन के चुनावी एगो दरमियान में चर्चा परिचर्चा चल रहा है कि वास्तव में कल्याणपुर नगर पालिका से अपने साझा पार्टी से उम्मीदवार देने छे, अमे कते के यथार्थ छे, अपने कते विश्वास छे कि अपने के टिकट मिलते से बाद में? देखियो, हमरा पूरा विश्वास है। आप पूरा विश्वास ए लेल है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता पहिलो से बहुते पहले से छे। हम तेकर बाद पार्टी देखल के कि हाँ एगो युवा है काम करते, वही विश्वास पर पार्टी हमरा टिकट देते, एते हमरा 100% विश्वास है। तेते अपने के टिकट अगर मिले तो आम पब्लिक से जे अपना सबके जेकरा कहल जाए एगो समाज में एगो परिवर्तन के तरफ से वो सोच रहल रहे, मुदा अहा के चुने के की उद्देश्य भ रहल छे? जेना बहुते पार्टी सबके एजेंडा सब रहे छे, विभिन्न पार्टी एजेंडा कहबे अपना तेहन एजेंडा अपने मेयर पद पर ले रहल छे, ते के एजेंडा की छे अपने खास कर? देखियो, अभी तक जते भी पार्टी अयले ने, जे भी एजेंडा बनेलके, कोई अपन एजेंडा पूरा नहीं कैलके। चाहे जोन भी पार्टी होए, जोन भी पार्टी के मेयर होए, सांसद होए, कोई अभी तक एजेंडा पूरा नहीं कैलके। लेकिन हाँ, हम एजेंडा लेके आयल छी एक टा बढ़िया एजेंडा। हमर की है, शिक्षा जो है अहाँ के उच्च शिक्षा तक फ्री दे के, हेल्थ जो है, हेल्थो जो है 50 साल से ऊपर आदमी के फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ के यानी कि दवाई हर चीज फ्री होते। तेकर बाद रोड, और देखियो अभी की दशा है कल्याणपुर के रोड के। यहाँ और कहियो अपने के नगर पालिका के तो अब एगो कहल जाए तो एगो स्विमिंग पूल के रोड से जाहिर सी बात है। हमरा और के गांव में स्विमिंग पूल बनावे के जरूरी है ने, हमरा बुझाए अभी के स्थिति देख के जते तते स्विमिंग पूल है, ओतः के आदमी शायद वही चलते एक्सपर्ट है स्विमिंग करे में। लेकिन हमरा और के कम से कम अपन नगर पालिका तो बना सके है कोई भी। अभी कल्याणपुर के बजट आब है 35 करोड़ रुपया, ओहिमे अहाँ के 20 करोड़ 25 करोड़ फ्रीज भ जाए है। अभी फ्रीज होय से बढ़िया है, कोनो बढ़िया काम में लगा देते, रोड बना देते, मरम्मत कर देते, नाला नहीं है नाला बना देते, तो ई और तो एगो बढ़िया काम भ जेते ना। ऐसे जनतो के भलाई है, नेतो के भलाई है, लेकिन एक के बारे में कोई नहीं सोचे, सब अपन पॉकेट भरे पड़ गए मात्र। अपने के जनता जे एगो वास्तव में विकास निर्माण अखन के 5 साल के दरमियान में कल्याणपुर नगर पालिका में अब जे भी कमी कमजोरी से भेल हुए, वास्तव में यथार्थ मूल्यांकन के आधार पब्लिक करे छे। हम अहा के एगो देखा देवे मात्र केहन अवस्था छे, है ना? उ तो छे, तर विकास के निमित्त बहुते काम सब लथलिंग अवस्था छे, मुदा अपने हो जे जितबे तो अपने पर आम पब्लिक कोना का विश्वास करते कि वास्तव में जे विकास अपने सही ट्रैक पकड़बे, सही ढंग पकड़बे, पब्लिक अहा के किया चाहते? अभी सही बात अहाँ कहलिए। अभी के दौर में जत्ता भी जाए छे, जेकरा लंग भी जाए छे, सब उहे बात कहे, एक उखान है ना, कोहनो जोगी आब है कांचीर ले आब है। अभी सही बात है, कतो जाए छे वोट मांगे सब उहे कहे, बुआ सब आब है ओहने बात करे है, लेकिन काम कोई नहीं करे है। लेकिन हम जनता के देखियो विश्वास दियाबे ला चाहे छे कि एक बेर सबके देख ली, एक बेर हमरो देखू, ताकि काल के दिन में हमरा मुंह नहीं रह जाए। अगर हम विश्वास नहीं करी तो हमरा नहीं मुंह रह जाए कि अहाँ लग जाके फेनो से हम वोट मांगी। अहाँ और के हरदम जो है पहले हूँ अहाँ और के सर ऊपर चले, अभी हमरो टाइम में ऊपरे रहते कि बौआ तू काम नहीं कैले, तोरा वोट आप दोबारा नहीं आई है मांगे, तोरा वोट नहीं देबो। मुदा जनता जनाते अपने कहली एक बेर हमरा जिता के देखियो, हरेक पार्टी सब कहे छे अभी तक जे भेले से भेले तैके निमित्त विभिन्न बाधा सब आवित गेले, ते दुआरे हम सब काम नहीं कर सकलिए। अगर एहने अवस्था फेरो से जे अहूँ के जिता के उपजाए कि गलती कर लेती के ना कि नहीं? नहीं, देखियो मेन बात की वजह है, अहाँ के अभी के दौर में बाधा आवे के एक कारण है,
स्थानीय नहीं नहीं स्थानीय जे भी पार्टी से निर्वाचित रहे छे काम कतौ नहीं कर सकल या कोनो विभिन्न अवरोध सब भेल तो वो तो मेन रीजन बन जाए छे ओकरा सबके एगो आंसरिंग दे के से हमरा सबके पार्टी के या विरोधी से हमरा कामे नहीं कर देल तेहन अवस्था तो नहीं हेतु अपने के जे कार्यकाल अगर अपने विजय अगर भ गेलो तो नहीं एहन अवस्था तो हम कहियो नहीं आवे देवे कैला देखियो ई जे जत्ते कर रहले ना अवस्था केकरो नहीं आवे है हाँ की करे है अब कमीशन ओकरा और के नहीं मिलल तो ई और जे बाट फाट कमीशन में नहीं मिलल तो काम नहीं कैलक वही चलते हमरा नहीं लगे एहन अवस्था हमरा बेर में अते कैला हम केकरो ने हम एक रुपया देवे ने एक रुपया लेवे तो वही चलते चुनावी चुनावी के जना रहले अखन के जे स्थानीय चुनाव होय छे तो हम सब बहुते ठाव के अवस्था देखल जाए तो हल्ला सब रहे छे कि फलानो पार्टी पैसा दक चुनाव जीतले कतो बूथ कैप्चर कक जीतले तो कोई विभिन्न हिसाब से आरोप सब लगे छे तेहन केना अपने के सब में केना बुझने छे देखियो ये पार्टी और जे करे ये तो गलत करे है रह गेले हमर बात तो हम देखियो जनता विश्वास करते हमरा निकाल देते जीत जेबे हम नहीं विश्वास करते तब जनता के अगर उहे मर्जी होते कि हम और सब दिना स्विमिंग करू रोडे पर सब दिना जे है हॉस्पिटल जे है अहाँ के कल्याणपुर के हॉस्पिटल के अवस्था देखे एहन जीर्ण अवस्था है तब तो अहाँ के स्टाफ नर्स नहीं रहे है डॉक्टर टाइम पर नहीं रहे है हॉस्पिटल में जेबे पेशेंट के जे है अहाँ के अगर नॉर्मल डिलीवरी भले ठीक है अगर कहीं जे कहीं कोनो प्रॉब्लम आ गेले तो अहाँ के लॉ जाए रस्तों में जे एम्बुलेंसो नहीं भेटते तकर बाद रास्ता एहन है कि हमरा बुझाए कते तो रस्ते में अथी भ जाते होते डेथ भ जाते होते तो हमरा हमरा में एहन स्थिति नहीं अते हाँ जनता विश्वास करो एक बेर हम इहे कहबे सबसे हाथ जोड़ के विनती करबे कि एक बेर विश्वास करू अहाँ के दोसर उम्मीदवार ऐसन स्थिति नहीं लावे देवे हम अहाँ के विश्वास क अथी विकास क के देवे अपने जना विकास के निमित्त बात सब के लिए विकास करबे पहले तो अपने के जनता अगर चाहते तकर बाद जितबे तकर बाद विकास के बात सब हेते तेना अपने के पार्टी के एजेंडा की सब छे पार्टी अहाँ जना साझा पार्टी से बिलोंग कर रहल छी अखन एगो कहल जाए तो तराई में एगो नया पार्टी के सेहो चर्चा छे खास कर नया पार्टी कहियो ना है ना छे पब्लिक ओते बिलीवेड नहीं छे ओ पार्टी पर विश्वासी लो नहीं बनल छे तो मेन अहाँ के पार्टी के एजेंडा की छे देखिए हमारा पार्टी के एजेंडा मेन है शिक्षा अहाँ के फ्री होके चाहे स्वास्थ्य फ्री होके चाहे संघीयता खारिज होके चाहे और जो है हमारा पार्टी के हमारा और के अध्यक्षों के एक टा एजेंडा है देश के जोन हिसाब से भला होते चाहे हमारा झुक के होए हमारा और केकरो से लड़ के होए अगर देश के भलाई है देश के हित है तो हम वही के लागी अगर झुके पड़ते झुक जेबे अगर उठे पड़ते उठ जेबे जना अपने संघीयता खारिज करे के बात के लिए संघीयता लाबे में ठाए कते मधेश के बलिदानी भेल छे हाँ मधेश के बहुते बड़का बलिदानी कहल जाए संघीयता लाबे में छे मधेश मुदा किया खारिज होवे के देखियो संघीयता जे लागू भेले तो जनता बहुते अति बलिदान दल के जनता लेकिन जनता के वैसे कोनो फायदा नहीं भेले संघीयता जे खारिज होले जोन हिसाब से खारिज होले अगर संघीयता के तो कहि रहल छै ना सिंह दरबार गांव गांव में अखन सिंह दरबार हो गेल जेता सही बात संघीयता के काम थे ना अभी नहीं आ के संघीयता सिंह दरबार ला दल के लेकिन यह संघीयता आ के चोरो डकैत बहुते जमा दल के गांव में अभी नाइनटा के आ के जे पार्टी के कार्यकर्ता है वो आ के कहत तोहर काम हम करा देबे ते पैसा लगते ई सब जे संघीयता के कारण से है ऐसा पहले ओहि छले कि ऐसे पहले राजा पाला में इतने नहीं हुए चले अहाँ के केला राजा लंग पहुंचला केकरो इतने सोर्सो नहीं चले लेकिन हाँ बहुते बने राजा के पाला में संघीयता से बहुते बढ़िया चले संघीयता में अहाँ के अगर संघीयता खारिज हुए है तो देश के 10% बजट बच जाए है अगर यह 10% बजट से जो है अहाँ कोनो भी स्टेट में अगर 4-5 हॉस्पिटल चाहिए तो बढ़िया हॉस्पिटल बन जाते कोरोना के महामारी में देखियो की हाल चले जनता के ऑक्सीजन नहीं पावे छले हॉस्पिटल में बेड नहीं पावे छले तो ये सब संघीयते के कारण से ना भेले अगर संघीयता खारिज भेले डिफेंडेड कर देने मोर द कने पूर्ण रूप में ओकरा हेने विश्लेषण कयल जाय कि पब्लिक में वास्तव में संघीयता से कत बेनिफिट छे कत घाटा छे अपने
कि संघीयता के खारिज करवे के बात कह रहा छी तगर देखिए संघीयता जे है आहा के कि जनता के हक में बहुते बढ़िया छले लेकिन ई उल्टा भ गेले जनता के हक में नहीं जाके नेता के हक में बढ़िया भ गेले अभी आहा के की कहले है नेता सब ऊपर से बजट आवे है कतबो नीचा आवे है 50% कम भ जाए वैसे नीचा जाए है 25% कम भ जाए वैसे नीचा जाए है ओहो में 20% कम भ जाए फिर नीचा जाए है तो 10% कम भ जाए लास्ट में जाते जाते आहा के 5% काम होई है अगर करोड़ रुपया के काम अले तो 5 लाख 10 लाख के काम होके काम अथी भ जाए है अभी संघीयता में जनता के फायदा कुछ नहीं है लेकिन नेता जो है बन गए सब जत्ते भी जीतल है सब जो है देखियो अभी बन गए नेता सब अपने के कहना अनुसार जो संघीयता अले वो संघीयता नहीं रह गए वो एगो छोटे राजा सबके जो हवी चलावे वाला ठाउ बन गए एकदम एकदम ठीक है वही के जना अपने कहले सुविधा सब नहीं छे है पब्लिक के सुविधा सब नहीं पावे छे जे संघीयता सब पावक चाहे जे अपने की संघीयता में विभिन्न बुंदा सब जे छले के वही बुंदा में कतो कोनो कमजोरी बुझा रहल संघीयता के बुंदा कट में देखिए संघीयता के बुंदा में कमजोरी तो नहीं है लेकिन हाँ नेता और जो है अहाँ के एक कोटा फ्लो नहीं कर रहे बुंदा के अगर ये फ्लो जो करो तो बहुत बढ़िया है लेकिन फ्लो नहीं कर रहे चलते ये बहुत खराब है जत भी देखियो केकरो नहीं फायदा है नेता के बाहे केकरो नहीं फायदा है अब संघीयता के बात रहले अब संघीयता एक हिसाब से छे अपने सब वास्तव में जे होबे चाहे संघीयता में से चीज नहीं लागू भेले जनप्रतिनिधि सब नहीं लागू कर रहल छे ठीक छे तेकर बाद में अखन के जे एगो कहल जाए खास क एगो चुनावी माहौल छे तो विभिन्न पार्टी सब उठे छे तो ओकरा सबके विजन सब रहे छे सबके विजन पर मुदा जितला बाजदू ते नहीं काम कर सके छे ओके मेन कमी कमजोरी कत रहे छे मेन कमी कमजोरी एकरा और के अपने में रहे है अभी देखियो गुट बनल है एकरा और के फलाना गुट सिलानो गुट तो ई सब की करे हमर गुट के टिकट मिले के चाहे आई वो दोसर गुट की करे हमरा टिकट मिले के चाहे वही चक्कर में ये और की करे है ने अपने काम करे ने दूसरे के करे दे है अगर एकरा दोसर पार्टी के गुट के दोसर गुट के टिकट मिल गेल वो की कहलक हम करबे विकास तो हम ही करबे दोसर के नहीं करे देबो आ उ की केलक ओकरा टिकट नहीं मिलल तो उहो विरोध केलक ई काम तू बढ़िया नहीं कर रहल छी केला एत जे है कमीशन के खेला चलावे है अगर कमीशन फेनो एकरा द देलक तो फेनो विकास करे देते नहीं देलक तो नहीं विकास करे दे है अपने के वाडा में केना है हमरा वाडा में तो कल्याणपुर हमरे वाडा में नगरपालिका में कहियो ना केना है नगरपालिका के स्थिति है ने लथालिंग स्थिति है मेयर की कह वृद्ध भत्ता तेकर बाद यहाँ के की विधवा भत्ता सब रोक दे है टीचर और के सैलरी रोक दे है कर्मचारी के सैलरी रोक दे है सब संघीयते के कारण से ना हुए है नहीं तो राजा पाला में एना नहीं हुए जेकर जे सैलरी रहे चले जेकर जे भत्ता रहे चले सब टाइम पर जाए चले ओकरा और के जना संघीयता के बात सॉरी जना सैलरी सब के बात कर लिए जे कर्मचारी के जे हुआ चाहिए है ना तलब भत्ता के बाद तलब नहीं पाब रहा है तलब में विभिन्न समस्या सब है ये समस्या सब में अपने कते गहराई रूप से बुझली कति के समस्या है देखिए समस्या ये है सब जो है अभी की कहले है अभी कल्याणपुर के स्थिति जो देखबे ना तो सब खाई पर लग गए है चाहे मेयर हो मेयर देखबे के लिए करप्ट में गए करप्शन में पकड़े ले उप मेयर है वो होते हैं कोई जो है कनी काम के विजन से जो है कोई सोच तो इतने टेंशन नहीं होते इतने प्रॉब्लम नहीं होते गांव में लेकिन काम के विजन कोई नहीं सोच रहा है सब केना के अपन बचे केना के हम बचाए से मात्र सोचे है वही चलते यहाँ के कर्मचारी और कई बार नगर पालिका में आंदोलन कैले है स्कूल के टीचर तक जबकि टीचर तो यहाँ के ज्ञान दे वाला दाता है लेकिन उकड़ा सब के आंदोलन करे आवे पड़े है अखन टीचर से सम्मेलन में है ने तक हां अभी तक है अपने के काल एगो एसएलसी के सॉरी एसी होय वाला छे वही अपने के नगरपालिका में केने भूमिका एसी के अभी तक शिक्षा के दृष्टि से केना छे अपने के देखिए शिक्षा के दृष्टि से हमरा विचार से शिक्षा में जे राजनीति नहीं होय के चाहिए जहिया से केला हमहू और जे स्कूल से पढ़ले छे
हमरा हमर जोन टाइम में पढ़िए उ टाइम में हमरा और के स्कूल जिला में टॉप स्कूल रहे, एनी टाइम टॉप थ्री में रहे चले, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमरा और के बुझाए हम जहिया तक हमर रहले थर्ड कहियो नहीं भेले। लेकिन जहिया से जे स्कूल में जे अध्यक्ष के चुनाव उपाध्यक्ष के चुनाव होय लगले तहिया से स्कूल के शिक्षो बिगड़ गेले, व्यवस्थापन समिति के चुनावी प्रक्रिया से होलो ले तहिया से शिक्षो बिगड़ गेले अहाँ के विद्यार्थी। और अभी बुझियो एक टा बस जाहि विद्यार्थी अपन जे है एगो होय ना गार्जियन के मन रखेला स्कूल में जाय है, पढ़े ला तो कोई नहीं जाय है। अखन जना अपने संस्थागत और एगो जे कहल जाय विद्यालय सब छे, तेर बाद में आके समुदायिक विद्यालय सब छे। संस्थागत विद्यालय में देखियो तो है ना खास कर बहुत से बहुत जनसंख्या सब रहे छे, विद्यार्थी के सहभागिता रहे छे, मुदा सामुदायिक विद्यालय में कमी कमजोरी हो के की अवस्था है? ये कमी कमजोरी यहाँ के प्रधानाध्यापक के है आ जे स्कूल के अध्यक्ष है ना ओकरा और के कमी कमजोरी है, कहला ये और शिक्षा के स्तर ने सुधारे ला चाहे है, वही चलते विद्यार्थी की हुए है। देखियो अथियों में जो है प्राइवेटो स्कूल और में जो कहबे तो एते जेहन सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुए है अहाँ एक चीज देखबे सरकारी स्कूल में अहाँ के टीचर के बहुत फाइट करके आवे पड़े है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अहाँ SLC कर लियो तैयो तो जाके अहाँ एगो टीचर बन सके छी। वही चलते हमरा हमरा अपना हिसाब से जेहन पढ़ाई अहाँ के सरकारी स्कूल में होते प्राइवेट में कहियो नहीं होते, लेकिन रह गई कमी कमजोरी है प्रिंसिपल के और स्कूल के जो अध्यक्ष और होए ओकरा और के, वही चलते स्कूल के शिक्षा बिगड़े है, अगर वो और चाहो तो सुधार सके है। तो अपने जना शिक्षा में अभी तक किया ने बाधा विरोध सब जना तो गलत भ रहल छे या कोनो अन्य हिसाब से समाज प्रति जना निगेटिव इम्पैक्ट पड़े वाला सब छे एमे अपने कते इंटरफेयर कर ले कि चीज गलत हो रहल छे एन सब में? अमे की भेल है अभी पार्टीगत है चल गेल जे अध्यक्षो और है ना अध्यक्ष टीचरो और के अहाँ देखबे तो सब अभी पार्टीगत जाय है, हमर पार्टी के है तो भरना होते, नहीं है तो हमर पार्टी के तो नहीं भरना होते। सबसे बिगड़े वाला अथी जो है अहाँ के ये है कि पार्टीगत अभी हुई है, टीचर लेबे तो हम अपन पार्टी के लेबे, नहीं हमर पार्टी के तो नहीं लेबे, जबकि अहाँ के सरकारी कर्मचारी और के राजनीति अलाउ नहीं है, लेकिन तैयो जो है अहाँ के वही में इतने राजनीति हुई कि हमर पार्टी ही तो रहते, नहीं है तो नहीं रहते चाहे जेहन भी टीचर रहे। तो वही चलते हमर विरोध करे छे अहाँ के एक बेर एक बेर विद्यार्थी और जो है टीचर नहीं भरना कर रहल के टाइम पर तो विद्यार्थी और रहे 10-12 मजाक में कहियो या जना कहियो आंदोलन कैले रहे, लेकिन ओ के कोनो रिस्पॉन्स नहीं अले, लगते एग्जाम चल अले विद्यार्थी और शांत भ गेले, कथी करू बेचारा सब अपन एग्जाम के तैयारी करेला रहे तो और शांत भ गेले। जेना ते अब बात कल जाए विगत के दिन में जे अपने एगो कोविड के एगो उपस्थिति छले ओहि समय में गरीब सबके केहन नजरिया सब से देख लिए अपने खास हम और जत्ते सक लिए हम और आके मास्क वितरण के लिए बाजार पर मास्क वितरण के लिए, तेकर बाद हम और की कर ले रहे हेल्प करे के लागी बहुत एक कोशिश के लिए आके कल्याणपुर के मेयरो जे है मेयर जे है स्थानीय स्तर के सरकार वो वहाँ के जस्ट एगो मास्क वितरण करे, वो मास्क जे देखती है ना तो सोचो नहीं सके चले कि सरकार अथी जे है एहन वितरण नगर पालिका एहन मास्क वितरण कर सके, लेकिन वही से बढ़िया हम और वितरण के लिए सैनिटाइजर दिए हैंड वॉश करिए। देखिए बावजूद भी अपने सामाजिक कार्य में कते लगल छी, अपने एगो खास कहल जाए तो एगो व्यवसायिक काज के रहल छी है ने हमरा जानकारी हिसाब से, और अपने के साथ शायद आगामी भी भेटल छलिए विभिन्न बातचीत आबि रहल छै है ने, तै के हिसाब से अपने जे व्यवसायिक एगो कर रहल छी अखन चुनावी लड़बे, अगर अपने जीत जेबे तो व्यवसायिक हिसाब से जीतबे कि केना? नहीं हम जीतबे तो हमर बुंदा और है तै पर वोट दे ठीक है, अगर हमर व्यवसाय हम एक टा अथी है हमरा से कोई मजबूर नहीं होए, हमरा से खुश है तो हमरा वोट दे, नहीं खुश है तो हमरा नहीं दे वोट, केला अहाँ के केकरो हमरा और में जो है कहनाम है केकरो अहाँ के रुआ केकरो रुआ के अहाँ कोनो काम नहीं करू। खास कर अपने सब जना एगो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करे छे, हमर विचार में देखल जाए तो चार नंबर क्षेत्र से शायद पहले ही
एगो व्यक्ति छे से अहाँ के हमरा लगि रहल से नहीं सॉरी अहाँ के कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में से अहाँ के जीतल छे तकर बाद में अहाँ दोसर बेर है प्रतिस्पर्धा एगो दोसर बेर कहल जाए है अहाँ के समुदाय में मात्र हमारा विचार से प्रतिस्पर्धा करे ला लगि रहल छे तो जे आगामी के हिसाब से अपने उहे हिसाब से जे करबे कि ओइसे कनी फरक करबे से फरक देखियो जे जीतल व्यक्ति छे ओकरा से कुछ फरक करबे कि ओहने रखबे हम जाहिर सी बात है ओकरा से फरक करे ला आइल छी अगर ओहने करे ला छले तो हम नहीं एते तब तो उहे और फेरती हम के लाए छी हम व्यवसाय में लगल छली लेकिन देखे छी एहन जर्जर स्थिति बना देले नगर पालिका के कि हमरा जे हम और जे दुबई में काम करिए तो हमरा और के बहुते साथी और है दुबई के है पाकिस्तान के है अफ्रीका के है केनिया के है तो वो और जे कहियो वीडियो कॉल केलक ने हमरा तो हमरा कहलक तू अपन गांव के कनी रोड देखो तो लाजे हम और फोन काट दे छी कि हमरा और के हिम्मत कौन रोड देखिए एकरा और के ई जे कहते कनी मार्केट देखो तो हम लाजे फोन काट देली कथी देखिए एकरा और के कोन एहन हमरा और के विकास भ गेलै जे हम एकरा और के देखिए तो वही चलते बहुते सोचला के बाद हम कहली नहीं अब युवा के अगाड़ी आ ही पड़ते नहीं तो युवा अगाड़ी नहीं अते तो देश के कुछ नहीं हो सके है अपने को युवा से हो छे है ना ठीक छे अपने के अग्रिम बधाई है धन्यवाद अपने उम्मीदवार देने है एगो अखन के एगो सामाजिक परिवर्तन के लागी एगो युवा के बड़का से बड़का भूमिका सब रहे छे अपना और के सामाजिक क्षेत्र में से चेंज करे के लागी विभिन्न काम करे के लागी युवा रहे छे तर हमरा विचार से युवा के डिसीजन गलत हो छे मगर दा क्विकली डिफिशिएंट रहे छे यदि कोई भी काम करे से पहले अगर डिसीजन सही हो या गलत हो या तो समय से पहले भ जाए गलत डिसीजन समय से पहले रहे छे ओकरा सुधार कयल जाय छे हमरा आते जते अनुमान भेल अखन के जना कहल जाए तो अपने एगो युवा छे अपने के युवा प्रति कते चाहना छे युवा और में तो बहुत अथी है युवा और पर विश्वासो है युवा और के तो हम एते तक कहलिए कि अगर केकरो चाही तो हम अगर हमरा से कोई बनिया तोरा उम्मीदवार बुझाए है तो हम एक्सक्यूज कर देवे लेकिन नहीं अगर नहीं बुझाए तो हम रहबे तो बहुत युवा और कहल के कि नहीं रह अहे रहो बनिया है अपने के जे वो तो 10टा वाडा छे 12टा सॉरी 12टा वाडा छे 12टा वाडा में अपने के कैंडिडेट सब केना छे कैंडिडेट और हमरा और के वार्ड में जे है 4टा रखले छे अभी तक घोषणा तो नहीं केले छे लेकिन 4टा रखले छे हमर कैंडिडेट 4टा वार्ड में जे अपने स्पष्ट कनि केल दे नहीं अभी नहीं माफ कर दे होला स्पष्ट नहीं करब ठीक है 11 गते के बाद अपने के ठीक छे पूर्ण रूप में सबको के जानकारी भेट जते कि नॉमिनेशन के दिन से 11 गते लगभग लगभग अधिकांश सबको के अखन के जना जना अपने के पार्टी में अइल के देखल जाय छे कि विभिन्न राजनीतिक दल सब अखन तक अनियोले में छे केकरा टिकट देते केकरा नहीं देते एगो पार्टी से तीन तीन चार चार जना के उम्मीदवारी छे अखन तक बहुते पार्टी सब में कहल जाए जरा हम अहा बड़का बड़का पार्टी कहियो न है ना सब अखन तक अनियोल अवस्था में छे ओके कारण सब विभिन्न पार्टी सब एक पार्टी में बहुते कोई उम्मीदवारी से देने छे मुदा आई के दरमियान में अपने के पार्टी से कते अधिकांश ठाव में फाइनल भगल छे कि जी हमरा और के पार्टी से अहाँ के लगभग अधिकांश ठाव में फाइनल भगल है आ फाइनल ऐ चलते भगल देखियो कार्यकर्ता कम है हमरा और के फैक्ट बात है नया पार्टी है जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे आदमी विश्वास करते हैं पर लेकिन हाँ और पार्टी के विकल्प लास्ट में देखबे आबे वाला संसदीय चुनाव में यह पार्टी बनते विवेकशील साझा पार्टी सब पार्टी के विकल्प बनते कैला हमरा और के अध्यक्ष जी के एक नारा है युवा आगे बढ़ सा देश आगे बढ़ सा सॉरी युवा आगे सड़ सा देश आगे बढ़ सा तो हमरा और के अध्यक्ष के मेन फोकस है वही पर कि युवा के अगाड़ी सारी तभी देश अगाड़ी बढ़ते अपने के जो ना अपने के साझा पार्टी के जो है रविंद्र मिश्र जी जो केंद्रीय के अपने अध्यक्ष कह जाए है लगभग लगभग अत सिरा में लगभग लगभग दूसरों पटक जाए यहाँ से अपने सबके आप कुत्ते कोऑर्डिनेट है वो अपने सब डिपेंडेड कर गए लगभग लगभग
एगो राजनीतिक में येल व्यक्ति एगो संसार क्षेत्र के एगो संभाले वाला व्यक्ति एगो राजनीति में येल छे हम उनका के के क्षेत्र से जुड़ल व्यक्ति छे तिगरे उनका बारे में कुछ आंतरिक रूप में सेहो जानकारी है मुदा सही ट्रैक और सही दिशा में छे से हम अहने उ खास कर पब्लिक जनता ओकरा पकते रुचावे छे ते पर डिपेंड पर छे और खास रहले एगो अपना और के कहल जाय छे मधेसी पहाड़ी के फीलिंग अय पार्टी में कते छे अय पार्टी में एक को रति नहीं मधेसी पहाड़ी के फीलिंग केला जेकरा हम अय पार्टी में हमरा सबसे बढ़िया इहे लगले जे जेहन कैटेगरी के है जेकरा जे पद जे है अथी जे ओहदा के लायक है ओकरा उ पद मिलल है ओय पार्टी में कनियो फीलिंग नहीं है मधेसी पहाड़ी दलित अय और के कनियो फीलिंग नहीं है अहाँ अगर अ लेवल के लायक छे तो अहाँ के लेवल मिलते है पार्टी में उहे एगो बढ़िया लगे चलो ठीक है अपने के हम इतने टा कह कि अखन के चुनावी माहौल में चुनावी स्थिति में अपने पब्लिक पर विश्वासिलो बनी है ने पब्लिक के जहाँ आम जनता के मन जीते में सफलता रखी और अग्रिम अपने के बधाई कि विजय हुए और हम अत ही कार्यक्रम के विश्राम देव चाहे छी हस्त नमस्कार